तप से अश्वमेध आया, माँ की कृपा से अश्वमेध आया, अश्वमेध का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, अश्वमेध का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए, अनुदान अनमोल पालो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, अश्वमेध का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध आई यह धरती आज बनाई काशी, यह सौराष्ट्र महान हमारा भले यहाँ के वासी, भले यहाँ के वासी। अश्वमेध आए यह धरती आज बनाई काशी, यह सौराष्ट्र महान हमारा भले यहाँ के वासी, भले यहाँ के वासी। अश्वमेध आए यह धरती आज बनाई काशी। देश हुआ आजाद हमारा यह तो सबने जाना, किंतु दर्द बापू का बोलो किसने है पहचाना। आज उदासी पोर बंदर क्यों तुझ में छाई आज उदासी, यह सौराष्ट्र महान हमारा भले यहाँ के वासी, भले यहाँ के वासी। अश्वमेध आई यह धरती आज बनाई काशी। कर्म भूमि भगवान कृष्ण की पावन, स्थापत्य यहाँ का सुंदर और बड़ा मन भावन। फिर क्यों लोगों के मन में संस्कार नहीं है आते, माँ बहनों के चीर आज क्यों है फिर खींचे जाते, क्यों फिर खींचे जाते। अंतरात्मा प्यासी संत सुदामा की भटकी है, अंतरात्मा प्यासी। यह सौराष्ट्र महान हमारा भले यहाँ के वासी, भले यहाँ के वासी। अश्वमेध आए यह धरती आज बनाई काशी। स्वीकार लो, धन्य कर लो,
कांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाये देव्यै भगवत्यै नमः। आज का दिन गीता जयंती का दिन, पावन दिन, और आज के दिन कलश यात्रा, इतनी भव्य कलश यात्रा जिसमें कि एक मंगलमय मंदिर से एक गुरु सत्ता का आशीर्वाद लेकर लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करके आप लोग यहाँ तक आए, बहुत थके होंगे। शोभा यात्रा, कलश यात्रा का उद्देश्य ये होता है कि मंगलमय उद्देश्य का प्रचार हो, प्रसार हो, विस्तार हो। किसी एक व्यक्ति से यज्ञ नहीं होता, यज्ञ सबके मिलजुल कर काम करने से होता है। कोई व्यक्ति संविधा लाता है, कोई व्यक्ति जल लाता है, कोई व्यक्ति भविष्य लाता है, और कोई सारे के सारे साधन जुटाकर इसको बहुत सुंदर बनाता है। मैं सोचता हूँ कि जितनी यज्ञशालाएं अभी तक देखी हैं पिछले 20 यज्ञों में, उसके बाद ये 21वीं अश्वमेध की यज्ञशाला है, सबसे सुंदर यज्ञशाला मैं सोचता हूँ यहाँ की भी निर्मित है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुरम्य सुरुचि से भरी हुई, और ऐसी यज्ञशाला में जब आप आई हैं यहाँ पर बहने भाई लोग हमारे बाहर से देख रहे हैं इसको, निश्चित रूप से कल से जब से देव पूजन का क्रम इसमें चालू होगा तो आप सभी अपने सौभाग्य को सराहेंगे। जब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति आप यहाँ पाएंगे, आपको लगेगा देवों को अनुग्रह बरस रहा है, आपको लगेगा देव स्वयं आपके आमंत्रण पर आ रहे हैं। आरती का जब गायन हो तो सभी लोग भाव विभोर होकर भावना पूर्वक आरती का गायन करें। आनंद आनंद करो आरती जगदम्बा नी सेवा रे मां, आनंद आनंद करो ध्वजारोहण के साथ ही 4 दिन तक चलने वाली अश्वमेध यज्ञशाला के देव पूजन का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। ध्वजारोहण संपन्न हुआ, ज्ञान क्रांति की लाल मशाल श्रद्धेया बहन जी के द्वारा प्रज्वलित की जा रही है रिमोट कंट्रोल से। यहीं से परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी। एक पे तुम्हें आधार
शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, हमारा आज का यह अश्वमेध महायज्ञ का शोभा यात्रा के पश्चात दूसरा दिन यज्ञ का पहला दिन देव पूजन का दिन। देवत्व को जीवन में उतारने के लिए और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ का प्रावधान किया। ये सृष्टि यज्ञ से बनी है, हमारा जीवन यज्ञमय है, हमारा जन्म यज्ञ से होता है। यज्ञ हिंसा रहित कर्म को कहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई संदेह हो कि अश्वमेध यज्ञ क्या करने जा रहा है, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से हम सृष्टि के संतुलन को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सामूहिक धर्मानुष्ठान करने जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञों को यह कहा गया है कि यज्ञों का राजा है और जब भी राष्ट्र को समर्थ सशक्त बनाने की जरूरत पड़ती है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। पर जीवन में सतत हमारे यज्ञ का क्रम चलते रहना चाहिए और यज्ञ का क्रम ऐसे चलते रहना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रातःकाल उठने से लेकर शाम को सोने तक भगवान के समर्पित होकर जो जीवन जीते हैं, वैसा ही यज्ञ हर एक व्यक्ति के जीवन में चले, चाहे आहुति दें चाहे न दें। भावना की आहुति अपनी ही भावना के साथ भगवान को चढ़ाते रहें, अपनी श्रद्धा बढ़ाते रहें, तो यज्ञ का मर्म समझ में आ जाएगा। आज की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि व्यक्ति का मन गड़बड़ा गया, व्यक्ति के चिंतन में जो दुष्प्रवृत्तियाँ भर गई हैं, दुर्मति जन्य दुर्गति जो आदमी की होती चली जा रही है, अचिंत चिंतन जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज मनुष्य गिरता चला जा रहा है, उसकी आस्थाएं डगमगाते चली जा रही हैं, उसके घर में कलह है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, बच्चों में आपस में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है माता पिता के साथ, प्रेम घर में से समाप्त हो गया, दाम्पत्य जीवन में दुराव छिपा आ गया और अंतर संबंधों से लेकर अनेक अनेक प्रकार की प्रक्रिया हम आज समाज में देखते हैं और इससे पता लगता है कि समाज की स्थिति कितनी दयनीय है। ऐसी दयनीय स्थिति से उबारने के लिए और समाज को ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक अनुष्ठान करना पड़ते हैं, धर्मानुष्ठान करना पड़ते हैं। जलती हुई बहुओं की चित्कार हमें सुनाई पड़ती है, ऐसे लोगों के अत्याचार हमें दिखाई पड़ते हैं जो दूसरों को परेशान कर करके, तंग कर करके, शोषण करके उनको अकाल मृत्यु की जब उसमें डाल देते हैं तो सूक्ष्म जगत प्रदूषित होता है। सूक्ष्म जगत के प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए कोई मशीन नहीं है, भगवान ने एक ही मशीन बनाई है, उसका नाम है यज्ञ। हमारा जो यज्ञ है इससे उठने वाले धुएं को माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता, टेलीस्कोप नहीं देख सकता, कोई लिक्विड क्रोमेटोग्राफ नहीं देख सकता, परंतु दिव्य चक्षु देख सकते हैं। यज्ञ का अर्थ है साथ साथ चलना, हम सब साथ साथ चलें, समूहबद्ध होकर चलें, संगठन में चलें। संगठन को सशक्त बनाने के लिए और राष्ट्र को एक बनाने के लिए एक ही तांत्रिक अनुष्ठान है, उस तांत्रिक अनुष्ठान का नाम है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें सूर्य देवता का आहुति दी जाती है और सूर्य देवता को दी जाने वाली आहुति सीधी सूर्य तक पहुँचती है, सारे के सारे हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है और हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। आने वाले दिनों में परिस्थितियां बहुत विपन्न बनने जा रही हैं, लोगों के ऊपर संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, कई प्रकार के और भी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसमें कि हम लोग उलझ जाएं और समाधान न मिले, तनाव शायद बढ़ता चला जाए और लोगों के जीवन में कई प्रकार की प्रतिकूलताएँ आ जाएँ। ऐसे में लोगों को सुरक्षा देने के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान रचा गया है। जो इसमें भाग लेगा, जो इसमें प्रकारांतर रूप से किसी न किसी रूप में शामिल होगा, जो इसमें किसी भी रूप में भागीदारी करेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, उसको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा और हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सत्ता उसके चारों ओर विद्यमान रहेगी, उसके दुखों को कष्टों को हरण करेगी, उसकी जो भी कुछ परेशानियाँ होंगी उनका निवारण करेगी और उसके लिए अनेक अनेक अनुदान ऊपर से बरसाएगी। ऐसे यज्ञ के माध्यम से आज हमारा देव पूजन का क्रम आरंभ होने जा रहा है। सो अपरिता सऊद्वे
बनी पवित्रियां मंत्र पाठ के साथ दाहिने हाथ की अनाम का उंगली में धारण करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति हमारे बीच में परम सौभाग्य से परम आदरणीय बहन जी शैल बहन जी पंड्या उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में करवद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमारे अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करें। परमात्मा ने सर्वोत्तम रचना अने कला कार्यता छे। आ तथ्य ने भूली जावाना कारण मनुष्य दूरदर्शी विवेकशीलता परित्याग करी सर्व स्वार्थपरायण लोभ लिप्सा वापटू जीवन जीववा लागे छे। तेनाथी विषमताओ वधे छे। जनजीवन अवांछनीयता अन्याय अराजकता तथा अपराधोथी भराई जाय छे। ज्यारे ज्यारे पृथ्वी पर आवी परिस्थितिओ सर्जाय छे त्यारे त्यारे ऋषि चेतना वाजपेयी यज्ञों तथा ज्ञान यज्ञों की व्यवस्था बनावानो निर्देश आपती रही छे। ज्ञान यज्ञ द्वारा मानवी मेधा ने सन्मार्गगामी बनावानो उपाय आ रीते ज करवामां आवतो रहे छे। अगला क्रम ऋषि चेतनाओं को आवाहित स्थापित करने का है। राजकोट का यह क्षेत्र पूज्य बापू और बापा जलाराम जैसी ऋषि चेतनाओं से अनुप्राणित है। देवात्मा हिमालय में ऋषि चेतनाएं तपस्यारत हैं, ये सही है।
उन्हीं की प्रेरणा से धरती पर भी कुछ ऐसे महापुरुष पैदा होते रहते हैं जो उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हम सब समष्टि रूप में विद्यमान ऋषि चेतनाओं का सर्वप्रथम आवाहन करेंगे। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निर्दिष्ट क्रम में आवाहन करेंगे और बाद में उन ऋषि चेतनाओं की विशिष्ट धाराओं का, विशिष्ट नामों से प्रसिद्ध ऋषियों का बाद में आवाहन होगा। पहले समस्त ऋषि चेतना का आवाहन। सप्तर्षि पूजनम्। ऋषि आत्माओं के अनुग्रह से ही देव संस्कृत का विकास और विस्तार संभव हुआ, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सप्तद्वीपा वसुंधरा को संस्कृत निष्ठ बनाए रखने के लिए ऋषियों की सर्वोच्च संसद सप्तर्षि मंडल के नाम से जानी जाती रही है। यह अश्वमेध प्रयोग उन्हीं के निर्देशों में संरक्षण में हो रहा है। उनकी आत्मशक्ति के प्रवाह का लाभ जन जन को प्राप्त हो, इसलिए हम श्रद्धा सहित उन सब का आवाहन करते हैं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। अगला विशिष्ट आवाहन क्रम वर्ग नंबर 41 में संपन्न होगा। वर्ग नंबर 41 के उपाचार्य सावधान हो। गौतम ऋषि आवाहनम्। क्रियाओं को दिव्य भावनाओं, दिव्य शक्तियों के साथ युक्त करने वाले, कर्म कांड का विकास करने वाले, यज्ञीय प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने वाले सभी ऋषियों के प्रिय पात्र महर्षि गौतम का हम आवाहन करते हैं। वे यज्ञीय कर्मकांड को त्रुटिहीन प्रभावशाली बनाएं। लौकिक मंत्र के स्वर विलंबित गति। स्रोत कर्म के संप्रदाय का जिनने किया प्रवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ॐ गौतमः सर्वभूतानां ऋषीणां प्रियः श्रोतानां कर्मणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ॐ गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महर्षि वशिष्ठ आवाहनम्। करुणा से भरे हृदय वाले सबके परम हितैषी, कर्म कुशलता से राजतंत्र एवं धर्मतंत्र में हितकारी, समन्वय करने में समर्थ, युगों को अपने संकल्प के अनुरूप ढालने में समर्थ, हे महर्षि वशिष्ठ आपका आवाहन है। आप हमें अध्यात्म विज्ञान तथा शासन तंत्र की शक्तियों को लोक मंगल के लिए नियोजित करने की कुशलता प्रदान करें। लौकिक मंत्र गे स्वर विलंबित गति।
सबके परम हितय ऋषिवर आप धर्म प्रतिरूप रहे कार्य कुशल इतने की कर्म से हर युग के अनुरूप रहे जनहित से जन की करुणा से भला सदा जिनका मन है उन मुनि से वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है उन मुनि से वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन ॐ नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकर्त्रे महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारिणे ॐ वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अगला आवाहन स्थापन क्रम वर्ग नंबर 61 में संपन्न होगा वर्ग नंबर 61 के उपाचार्य विशेष ध्यान दें अत्रे मुनि आवाहनम् ब्रह्मनिष्ठ व्रतधारी तेजस्वी जीवन जीने वाले तपहपूत महर्षि अत्रि को यज्ञ स्थल पर आमंत्रित किया जा रहा है वे सुविधा के नाम पर व्यसनों में प्रवृत्त जनमानस को पुनः श्रेष्ठ लक्ष्यों के लिए तप साधना करने तथा व्रतशील जीवन जीने की प्रेरणा दें सामर्थ्य दें लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है तप पूत है सत्य रूप है तेजस्वी व्रतधारी है हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है आज आप पर वीर शिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है आज आप पर वीर शिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है ओम अत्रये तु नमस्तुभ्यम् सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे ॐ अत्रये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि वर्ग नंबर 64 के उपाचार्य ध्यान दें वर्ग नंबर 64 में जिन ऋषिका वेदी की स्थापना है उनका आवाहन स्थापन क्रम संपन्न होगा ऋषि माता अरुंधति आवाहनम सप्त ऋषि मंडल में मातृशक्ति का नारी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली माता अरुंधति का भाव भरा आवाहन है आप हम भटकते हुए बालकों के शुष्क हृदय में फिर से दिव्य भावना का संचार करें नारी शक्ति को पुनः समाज के भावनात्मक नवनिर्माण हेतु नेतृत्व कर सकने में समर्थ बनाने के लिए इस महायज्ञ में अपनी चेतना का संचार करें लौकिक मंत्र गेस्वर विलंबित गति सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत वेला में ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं हम अबोध बालक हैं माता कर लो पूजा ग्रहण अभी यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी यहाँ यज्ञ मंडल का अवतरण अभी
नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनि एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां गृहाण मे ॐ अरुन्धत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऋषि चेतनाओं का आवाहन हुआ। इसी क्षेत्र की जन्मी विशेष ऋषि चेतना जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में ज्ञान की विशेष क्रांति पैदा की, महर्षि दयानंद, हम सब जानते हैं। मोरबी के निकट टंकारा गांव में जन्मे, यहाँ तो शायद कम, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में उन्होंने बड़ा काम किया। वेदों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया। उनकी अंतरात्मा अंतश्चेतना को भी हमने आवाहित किया। हमारा यह यज्ञ भी जो ज्ञान क्रांति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है, मेधा का संचार करना इसका विशेष प्रयोजन है, उसका इन ऋषि चेतनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से संचार होगा मेधा का। इस भाव, इस प्रार्थना के साथ ये क्रम संपन्न हुआ। अगला क्रम वर्ग नंबर 47 में विशेष रूप से संपन्न होगा। वर्ग नंबर 47 के उपाचार्य ध्यान देंगे। उनके वर्ग में जिस चक्रवेदी की स्थापना है, उसके आवाहन स्थापन का क्रम संपन्न होगा। वास्तु वेदी पूजनम, वास्तु वेदी नैऋत्य दिशा में स्थापित है, वहां नियुक्त प्रतिनिधि सावधान हो। यह जगत वस्तु पदार्थ ऊर्जा एवं चेतना के संयोग से बना है। वस्तु जगत का संतुलन अनुशासन बनाए रखने वाले देवगण वास्तोष्पति कहलाते हैं। हर पदार्थ यज्ञीय प्रयोग के अनुरूप संस्कार युक्त बनाने की प्रार्थना के साथ वास्तु का आवाहन किया जाए। प्रतिनिधि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्र के साथ ध्यान करते हुए प्रत्येक वर्ग में एक एक पुंगी फल रखकर वेदिका पर अर्पित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ वास्तुस्पते प्रति जानीहि अस्मान् स्वामेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शम्नो भवद्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ विशन्तु भूतले नागाः लोकपालाश्च सर्वतः मण्डले त्रावतिष्ठन्तु ह्यायुर्बलकरा सदा। वास्तु पुरुष देवेश सर्वविघ्न विदारण शान्तिं कुरु सुखं देहि यज्ञेऽस्मिन् मम सर्वदा। ॐ वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगला क्रम वर्ग नंबर 14 में संपन्न होगा, लेकिन सभी को सावधान हो जाने की आवश्यकता है।
जहाँ भी जो बैठे हैं कमर सीधी करके बैठ जाएं, सावधान होकर विशेष शक्ति का आवाहन इस क्रम में किया जाने वाला है। उस शक्ति की प्रतिष्ठापना वर्ग नंबर 14 में तो विशेष रूप से है, लेकिन सभी जागरूक होकर अपनी भाव संवेदना उस शक्ति के साथ विशेष रूप से जोड़ेंगे। हमारे स्वयंसेवक और बीच में जो कुछ चलते फिरते नजर आ रहे हैं सबको बिठा दीजिए, कोई भी यज्ञशाला में चलें फिरें नहीं, तुरंत बैठ जाएं। विशेष शक्ति का आवाहन इस क्रम में संपन्न होने वाला है। चतुष्षष्ठी योगिनी पूजनम। दुर्गा महाकाली का उद्भव अजय असुर शक्तियों का समूल नाश करने के लिए हुआ था। वे संघ शक्ति की प्रतीक हैं। उनकी सहयोगिनी 64 शक्तियां योगिनियां कहलाती हैं। ये महाशक्ति की 64 कलाएं हैं। उन सब कलाओं को यज्ञ के विपरीत अयज्ञीय प्रवृत्ति के निवारणार्थ आमंत्रित किया जाता है। आग्नेय दिशा में बैठे प्रतिनिधि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पूजा प्रक्रिया संपन्न करें। अनुष्टुप छंद गे स्वर मध्यम गति। कृतुंडिका उष्ट्रग्रीवा हयग्रीवा वाराही शर्भानना उलोकिका शिवारावा मयूरी विकटानना अष्टवक्त्रा कोटराक्षी कुब्जा विकटलोचना श्वतंस्रावानरानना रुक्षाक्षी केकराक्षी बृहत्तुण्डा सुराप्लिया कपालहस्ता रक्ताक्षी शुकेशेनी कपोतिका हस्ता दण्डहस्ता प्रचण्डा दण्ड वसाधया गर्भभक्षा शौहस्तान्त्रमालिनी स्थूलकेशी बृहत्कुक्षी सर्पास्या प्रेतवाहना कन्दशूककरा क्रौञ्ची मृगशीर्षा मृषानना व्यात्तास्या धूमलिश्वासा व्योमैकचरणोर्ध्वदृक् तापिनी शोषिणी दृष्टिः कोटिरी स्थूलनासिका विद्युत्प्रभावलाकास्या मार्जारी कटपूतना अट्टाटहासा कामाक्षी मृगाक्षी मृगलोचना सत्याश्वकः सुभद्रिकां कांपीरवासिनीं ॐ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पूर्वकं चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः आवाहयामि स्वाहयामि ध्यायामि। अगला आवाहन स्थापन क्रम वर्ग नंबर 44 में संपन्न होगा। वर्ग नंबर 44 के उपाचार्य विशेष ध्यान दें। क्षेत्रपाल पूजनम। क्षेत्र विशेष की रक्षा करने वाले देव समुदाय को क्षेत्रपाल कहते हैं।
यज्ञ क्षेत्र में कोई प्रतिकूल तत्व प्रज्ञा संपन्न करें। लौकिक मंत्र केशवर विलंब गति। ओम अजरो व्यापकश्चैव इन्द्रचौरस्तृतीयकः इन्द्रमूर्तिश्चतुर्थस्तु मोक्षः पञ्चम उच्यते षष्ठः कूष्माण्डनामा च वरुणः सप्तमः स्मृतः अष्टमो वटुकश्चैव विमुक्तो नवमस्तथा लिप्तकायस्तु दशमो लीलाको रुद्रसंख्यकः एकदंष्ट्रो द्वादशकः तथा ऐरावतस्मितः ओषधिग्नस्ततः प्रोक्तो बन्धना दिव्यकावुभौ कम्बलो भीषणश्चैव गवयो घण्ट एव च व्यालश्चैव तथाणुश्च चन्द्रवारुण एव च पटाटोपश्चतुर्विंशो जटालः पञ्चविंशकः क्रतुनामा च षड्विंशः तथा घण्टेश्वरः स्मृतः विटङ्को मणिमानश्च गणबन्धुश्च डामरः ढुण्डिकर्णो परः प्रोक्तः स्थविरस्तु ततः परः गन्तुरोधनदश्चैव नागकर्णो महाबलः फेत्कारश्चेकरः सिंहो मृगो यक्षस्तथा परः मेघवाहन नामा च तीक्ष्णोष्ठो ह्यनदस्तथा शुक्लतुण्डः सुधालापः तथा वर्वर्गः स्मृतः पवनः पावनश्चैव एवं सिद्ध साधको धारा वंदित गुरुपति अभिमानी और यात्राओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो क्रम में जिन विष्णु देवता का आवाहन किया जाने वाला है उनके ही एक प्रतिरूप द्वारिकेश्वर के रूप में निकट में स्थित द्वारिका धाम में विराज रहे हैं। यह उन्हीं का क्षेत्र है, उनसे हम सभी सामूहिक अभ्यर्थना करेंगे। वे हमारे अश्वमेध में पधारें और अश्वमेध में सम्मिलित होने वाले सभी नर नारियों का कल्याण करें, सबको अनुदान वरदान दें। आइए सामूहिक रूप से उनकी अभ्यर्थना एक संकीर्तन के रूप में करें। बोलो भगवान की जय।
द्वारकेश्वर हे जगदी द्वारकेश्वर हे जगदी द्वारकेश्वर हे जगदी हम सबको दे शुभ आशीष हम सबको दे शुभ आशीष हे द्वारकेश्वर हे जगदी हे द्वारकेश्वर द्वारकेश्वर हे जगदी हे द्वारकेश्वर हे जगदी अश्वमेध में हे प्रभु आओ अश्वमेध में हे प्रभु आओ भाव भरी आहुति ले जाओ मथुरा छोड़ द्वारिका आए मथुरा छोड़ द्वारिका आए मथुरा छोड़ द्वारिका आए मथुरा छोड़ द्वारिका आए इस उपवन को धन्य बनाए इस उपवन को धन्य बनाए यज्ञ भूमि पुनः पधारो यज्ञ भूमि में पुनः पधारो यज्ञ भूमि में पुनः पधारो यज्ञ भूमि में पुनः पधारो भक्तों की प्रभु भूल सुधारो भक्तों की प्रभु भूल सुधारो भक्तों की प्रभु भूल द्वारकाधीश भगवान की जय विष्णुदेव आवाहनम इस महायज्ञ में यज्ञ रूप जगत का पोषण करने वाले देव विष्णु पधारें इस यज्ञ को दिव्य पोषण की क्षमता से युक्त करें वैदिक मंत्र षडस्वर विलंबित गति ओम इदं विष्णु
विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाक्वं सुरे स्वाहा वक्षस्थल भर्ति नृभृगुपति कौस्तुभ मणिधारी नील कमल से श्याम वर्ण हे जग मंगलकारी रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो अश्वमेध माँ आओ आहुतियो स्वीकार करो धन कल्याण करो अश्वमेध माँ आओ आहुतियो स्वीकार करो वसु आवाहनम सबको आवास देने वाले दिव्य रत्नों के आगार रूप तेजस्वी अष्टवसु लोक हितार्थ इस यज्ञ में पधारें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति ओम वसु पवित्र मसि शतधारम वसु पवित्र मसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सोक्त्वा कामधोक्षः हे समस्त निधियों के दाता अष्टावसु आओ रत्नों के भंडार हमें दो यश गौरव पाओ देवी संपत्ति अभाव का संहार करो तो देवी संपत्ति अभाव का संहार करो अश्वमेध माँ आओ आहुतियो स्वीकार करो जन कल्याण करो अश्वमेध माँ आओ आहुतियो स्वीकार करो जन कल्याण करो ओम एतैत सर्वे वसवो निधिषा रत्नाकरा सर्वसहस्रभासः धनस्वरूपा मम पान्तु यज्ञम् गृहिणीत पूजां भगवन्त एताम् गृहिणीत पूजां भगवन्त एताम् ॐ अष्टवसुभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सप्त यक्ष आवाहनम् प्रकृति की चमत्कारी शक्तियों के रक्षक सक्रिय होकर सतत विचरण करने वाले हे सप्त यक्षों आप सबका आवाहन है। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति ॐ अभित्यं देवाग्वं सवितारमोन्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवाग्वं रत्नधामभिप्रियं मतिं कविं
ऊर्ध्वायस्य मतिर्भा अदिद्युतत् सवीमनि हिरण्यपाणिः अमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिः। कौतूहल दिखलाने वाले सप्त यक्ष सादर यज्ञ क्षेत्र में आप विराजे स्थिर चित आकर स्वेच्छाचार मिटा कर जग में सुख संचार करो स्वेच्छाचार मिटा कर जग में सुख संचार करो पर्यटन्ते यक्षः सर्वे महीतले कौतुकं प्रेक्षितुं चास्मिन् मण्डले सन्तु सुस्थिरा ॐ सप्तयक्षेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एकादश रुद्र आवाहनम्। शक्ति का दुरुपयोग करने वाले आदताइयों को तथा शक्ति का उपयोग न करने वाले निष्क्रिय आलसियों को दंडित करने वाले रुद्रदेवों का आवाहन है। वैदिक मंत्र षडस्वर विलंबित गति। ओम नमस्ते रुद्र मन्यव पुतोत इश्रवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। एकादश रुद्र लोक पति है कपाल धारी ले त्रिशूल खट्वांग पधारो भोले भंडारी सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। द्वादश आदित्य आवाहनम्। दिव्य तेज को चराचर में संचरित करके उन्हें पुष्ट एवं विकसित करने वाले 12 आदित्यों को हम आवाहित कर रहे हैं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षम् आदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना
आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् सुंदर लाल सिंदूर सदृश हे प्रखर किरण वाले रथ पर बैठ पधारो सादर सात अश्व वाले हे द्वादश आदित्य हृदय में दिव्य प्रकाश भरो हे द्वादश आदित्य हृदय में दिव्य प्रकाश भरो अश्वमेध मा आओ आहुतियों स्वीकार करो जन कल्याण करो अश्वमेध मा आओ आहुतियों स्वीकार करो जन कल्याण करो ओ हे ये पद्मासन पद्म पाणि आदित्येभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अश्विनी कुमार आवाहनम् स्वस्थ परिवर्तनों के प्रणेता एवं पोषक देव वैद्य अश्विनी कुमारों का आवाहन है। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति ओम अश्विना तेजसा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाजेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियं मा सुपोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी हे देवों के वैद्य विशारद तत्पर पथगामी हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो वैद्यौ च सर्गस्थित्यन्तकारकौ आगच्छतं मण्डले तु पूजयाभीष्टसिद्धये ॐ अश्विभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जिनकी प्रेरणा से इस असंभव जैसा कहा जाने वाला यह अश्वमेध प्रयोग संभव हो रहा है, जिनके संरक्षण में यह सब कुछ संभव हो रहा है, संपन्न हो रहा है, जो काल की चाल को बदलने में समर्थ हैं, कलयुग के जो अधिदेवता माने जाते हैं, ऐसे महाकाल का आवाहन करने से पूर्व उनकी सामूहिक अभ्यर्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे महाकाल, आप ही काल की इस कुटिल चाल को बदलने में समर्थ हैं, आप कृपा करके समय के इस दुष्प्रभाव को समाप्त कीजिए,
समस्त विभीषिकाओं को निरस्त कीजिए, बढ़ते प्रदूषण को दूर कीजिए और मानवता के लिए उज्ज्वल भविष्य को साकार कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ महाकाल की सर्वप्रथम सामूहिक संकीर्तन द्वारा अभ्यर्थना करेंगे, तदुपरांत वैदिक मंत्रों से उनका आवाहन करेंगे। अभ्यर्थना से पूर्व आइए सभी दोनों हाथ ऊंचा उठाकर पहले जय घोष करेंगे। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ भगवान की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय। सबको ताली बजाते हुए गाइए, हाथ ऊंचा उठाइए। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता 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 है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, ताली बजाइए। जय महाकाल, जय सोमनाथ, 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 जय सोमनाथ। जिसने सोतों को जगा दिया, 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 जागों को जिसने चला 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 दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दीपे रख उछाल, निष्ठा को दीपे रख उछाल, निष्ठा को दीपे रख उछाल, निष्ठा को दीपे रख उछाल। जय सोमनाथ, 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 जय महाकाल, 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 जय महाकाल। बोलिए युगाधिपति महाकाल की। वेदों में अश्व शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं, गुणवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। अशु व्यापक धातु के अनुसार जो तीव्र गति से संव्याप्त संचरित होने में सक्षम है उसे अश्व कहा गया है। पशुओं में घोड़े के अंदर यह क्षमता होने से
उसे भी अश्व संज्ञा से विभूषित किया गया है। वेद में इसी परिभाषा के अनुसार सूर्य किरणों को एवं अग्नि को भी अश्व कहा गया है। सर्वत्र संव्याप्त होने की क्षमता के कारण ईश्वर को भी अश्व कहा गया है। आहुतियों को प्रकृति में और देव शक्तियों तक संचरित करने की सामर्थ्य अग्नि में है, इसलिए अग्नि को यज्ञाश्व कहा जाता है। समाज में दिव्य प्रवृत्तियों के संचार प्रसार के लिए मनुष्य में शौर्य पराक्रम तेजस का प्रयोग होता है, इसीलिए ऋषियों ने वीरम व अश्व जैसे सूत्र कहे हैं। श्रेष्ठ भाव संपन्न व्यक्तियों के शौर्य पराक्रम श्रम साधनों का नियोजन इस यज्ञ में प्रारंभ से ही किया जा रहा है। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान उसी के आधार पर चल रहा है। अब यज्ञीय कर्मकांड के अंतर्गत आहुति प्रयोग के लिए यज्ञाश्व के रूप में यज्ञाग्नि को यज्ञशाला में लाया जा रहा है। Oh,
कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती यहाँ से ऊपर को उठाई जा रही है। सब लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़कर आरती लेने का भाव संपन्न करेंगे। को मार रहे हैं ऋषि संस्कृति को और
शास्त्र को ही दुत्कार रहे हैं, ये ही दुत्कार रहे हैं। इनकी बासी बुद्धि बन गई भौतिकता की दासी, इनकी बासी बुद्धि बन गई भौतिकता की दासी। यह सौराष्ट्र महान हमारा भले यहाँ के वासी, भले यहाँ के वासी। अश्वमेध आए यह धरती आज बनाई काशी। मेहता के जन्म स्थल जागो फिर जूनागढ़, शत्रु देश के दुनिया भर के दोष रहे हम पर मढ़। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।